दोस्तों, बग बाउंटी साइबर सिक्योरिटी फील्ड में एक ऐसा करियर है जिससे आप घर बैठे बैठे हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगर आप भी एक बग हंटर बनना चाहते हैं और वेबसाइट को हैक करके उसमें बग ढूंढ के पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे जिससे आप भी एक अच्छे बग हंटर बन सकते हैं और लाखों रुपए कमा सकते हैं। पहला स्टेप है, आपको कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा। आपको पहले ये समझना होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क कैसे काम करता है, आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, डीएनएस क्या होता है, किसी वेबसाइट पर आईपी एड्रेस कैसे अलोकेट होते हैं और किस तरह से डेटा वेबसाइट से सर्वर तक जाता है और सर्वर से वेबसाइट पर आता है। इसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि वेबसाइट और सर्वर के बीच किस तरह से काम होता है। अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लेते हैं तो आप भी किसी वेबसाइट को आसानी से हैक कर सकते हैं और उनमें बग ढूंढ सकते हैं। दूसरा स्टेप है लिनक्स सीखना। दोस्तों, आपको विंडोज़ के साथ साथ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना भी आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर सर्वर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करते हैं और कुछ हैकिंग टूल्स सिर्फ आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही यूज़ कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना सीखना होगा। इसके लिए आप सबसे पहले उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करना सीख सकते हैं, क्योंकि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। और जैसे ही आप इसे सीख लेते हैं तब आप काली लिनक्स, जो कि प्रोफेशनल हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। आपको इसको सीखने के लिए ऑनलाइन हेरो ट्यूटोरियल्स या कोर्सेज मिल जाएंगे। तीसरा स्टेप है वेब टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना। किसी वेबसाइट में बग ढूंढने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। इसके लिए आप मॉडर्न वेब टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं, जैसे कि आप HTML सीख सकते हैं, JavaScript सीख सकते हैं, CSS सीख सकते हैं। अगर आप इन टेक्नोलॉजी को सीख लेते हैं तो आप किसी वेबसाइट में बग को आसानी से ढूंढ सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। आपको इसके लिए भी ऑनलाइन काफ़ी कोर्सेज और ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप जान पाओगे कि वेबसाइट किस तरह से बनती है। इसके बाद आपको PHP और पाइथन लैंग्वेज सीखनी होगी, क्योंकि हैकिंग के लिए पाइथन लैंग्वेज एक सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, क्योंकि पाइथन से आप खुद के टूल्स बना सकते हैं, खुद के स्क्रिप्ट बना सकते हैं और पाइथन हैकर्स द्वारा यूज़ किए जाने वाली सबसे बड़ी पॉपुलर लैंग्वेज है। चौथा स्टेप है बुक्स पढ़ना। आपको बग बाउंटी के लिए बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी जिनको आप पढ़ के आप उनसे सीख सकते हैं आखिर किसी वेबसाइट पर बग को कैसे ढूंढा जाता है। मैं आपको कुछ बुक्स बता देता हूँ जिनको आप इंटरनेट की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इन बुक्स को पढ़कर सबसे खतरनाक बग बाउंटी हंटर बन सकते हैं। पांचवा स्टेप है, आपको डिफरेंट टूल यूज़ करने आना चाहिए। आपको डिफरेंट तरीके से अटैक करने के लिए कुछ टूल्स सीखना होगा, जैसे आप बर्प शूट, Nmap, SQLmap, WFuzz, WebPT जैसे कुछ टूल्स को सीख सकते हैं। इन टूल की मदद से आपको किसी भी वेबसाइट में बग ढूंढने में आसानी होगी। इन सब को सीखने के लिए भी आपको ऑनलाइन काफ़ी ट्यूटोरियल और कोर्सेज मिल जाएंगे, जहां से आप इन टूल को यूज़ करना सीख सकते हैं। सिक्स्थ स्टेप है, आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी। दोस्तों, सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से किसी वेबसाइट में बग को ढूंढा जाता है और कौन कौन से ट्रिक को यूज़ करना पड़ता है। इन सब चीज़ों की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि जब आप रियल लाइफ में या रियल इन्वायरमेंट में आपको किसी भी वेबसाइट में बग ढूंढना पड़े तो आपको आसानी से बग मिल सके। फाइनल स्टेप, जब आप सारी चीज़ें सीख लोगे तो उसके बाद आप वेबसाइट पर बग ढूंढना स्टार्ट कर सकते हैं। और जब भी आपको किसी वेबसाइट के अंदर बग्स मिलेंगे तो आपको उसके वेबसाइट ओनर को बताना होगा, जिससे आपको फायदा ये होगा कि उस बग को ढूंढने के लिए वेबसाइट ओनर आपको कुछ रिवॉर्ड या पैसे दे सकता है। और मैं आपको बता दूं, कहीं जगहों पर बग बाउंटी के कॉम्पिटिशन भी होते हैं। आप लोगों को इन जगहों पर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि आप इससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। इन सभी स्टेप को जब आप अच्छे से फॉलो करेंगे तब आप एक सक्सेसफुल बग हंटर बन सकते हैं और घर बैठे बैठे हजारों या लाखों रुपए कमा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।